नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे गुरुवार 16 सितंबर आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज आपको किन किन चीज़ों से लेकर सावधान रहना होगा, आखिर ऐसे कौन कौन से कार्य आपके लिए फलदायी साबित होंगे, वही दोस्तों आज आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एक सटीक उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि का सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अभी जरूर कर दें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जय श्री हरि जरूर लिख दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की पंचांग से। 16 सितंबर और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्र है उत्तराषाढ़। योग की बात करें तो शोभन नामक शुभ योग रहेगा और चंद्रमा इस दिन धनु राशि में रहेगा सुबह 10:43 तक। वही मित्रों इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा। आज का शुभ समय सुबह 11:57 पर शुरू होगा, दोपहर 12:46 पर समाप्त होगा। यह समय किसी भी प्रकार की नए और शुभ कार्य की शुरुआत बिल्कुल कर सकती है। आज का अशुभ समय दोपहर 1:52 पर शुरू होकर 3:23 पर समाप्त होगा। यह समय किसी भी प्रकार की निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वाले जातक, इस समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक सक्षम और सुदृढ़ स्थिति में रहेगा। कुछ समय से चल रही खिंचाव से आज आपको राहत मिलेगी। किसी परेशानी थी तो वह आज आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। मेष वाले जातक, परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने में आपको आनंद आएगा और खुशी के साथ आज आप काम करेंगे। अचानक ही किसी पुराने मित्र या पीछे से मुलाकात आपको खुशी प्रदान करेगी। मेष वाले जातक, कुछ लोग आपकी आलोचना या निंदा कर सकती हैं, ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति लोगों से दूरी ही बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होंगे। मेष वाले जातक, खर्चों की अधिकता रहेगी जिससे बजट आज आपके बिगड़ सकती है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होंगे कि सोच समझकर खर्च करें और बजट से ज़्यादा खर्च ना करें। भाइयों के साथ संबंध आज आपके मधुर बनाकर रखने में आज विशेष योगदान रहेगा। मेष राशि वाले जातक, बात करें व्यवसाय की, देखिए व्यापार व कामकाज में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे जो कि बहुत फायदेमंद साबित होंगे। मेष राशि वाले जातक, आर्थिक स्थितियां पहले से मजबूत होगी, पहले से अच्छा होगा और नौकरी में गलती होने से अधिकारियों को जवाब देना पड़ सकता है, उनसे आज आपको डांट फटकार भी सुनने को मिल सकता है, इसलिए जितना हो सके अपना ध्यान काम पर ही फोकस रखें और काम में मन लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। मेष वाले जातक, लव लाइफ की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में पढ़कर अपने करियर के साथ कोई समझौता ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। मेष वाले जातक, स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए आज आपको कोई बड़ी बीमारी की आशंका नहीं है, लेकिन आपको छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है जिसका आपको ख्याल रखना होगा। मौसमी बीमारियों से आज आप सतर्क रहें, अपनी आदतों व दिनचर्यों को एक कदम सुव्यवस्थित रखें। मेष राशि वाले जातक, बात करें फायदे और नुकसान की, देखिए फायदा क्या है, ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है, बिजनेस के लिए यात्रा फायदे पहुंचाएगी, संतान की ओर से शुभ समाचार आज आपको मिल सकती है। नुकसान क्या है, देखिए बुरी आदतों के कारण सम्मान में कमी आ सकती है, कोई पुराना विवाद फिर से सामने आ सकती है और जीवन साथी से मन मुटाव हो सकता है। बात करें शुभ रंग की तो आज आपका शुभ रंग ऑरेंज कलर है और भाग्य अंक आज आपका 3 है।
उपाय की बात करें तो पानी में काले तिल मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाएं, आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। धन्यवाद।